एक समय की बात है, भद्रपुर नाम के नगर में एक साधु महात्मा रहते थे। वो प्रतिदिन सुबह को नदी में स्नान करते, मंदिर जाते और सत्संग करते। उनके सत्संग सुनने दूर दूर से लोग आते थे। वो हमेशा लोगों को अच्छी शिक्षा देते और ईश्वर के प्रति लोगों के मन में आस्था को बढ़ाने का काम करते थे। लोग बड़े आनंद से उनके प्रवचन को सुनते और जाते हुए तारीफ किए बिना नहीं रहते। एक व्यक्ति दूसरे से कहता, ये साधु बाबा कितनी अच्छी बातें बताते हैं, इनके प्रवचन सुनकर बुरे से बुरे लोग भी अच्छे मार्ग पर चल पड़ते हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, सही कहते हैं आप, पिछले सप्ताह मैं अपने नालायक बेटे को साधु बाबा का प्रवचन सुनाने जबरदस्ती लेकर आया था, लेकिन प्रवचन सुनने के बाद तो जैसे जादू हो गया, उसके दिमाग पर बाबा की बातों का गहरा असर पड़ा और वो सुधर गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। साधु महात्मा की बातों का ही असर था कि दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने खींचे चले आते थे। ये लोग अपनी खुशी से महात्मा को कुछ ना कुछ दक्षिणा में देते। उसी नगर में रेशम नाम की एक वैश्या रहती थी। वो गलत तरह का धंधा करती थी, लेकिन ईश्वर के प्रति उसके मन में काफी श्रद्धा थी, जिसकी वजह से वो प्रतिदिन सुबह सवेरे नहा धोकर पूजा पाठ करती और फिर अपने रोज गलत काम में लग जाती। अपने इसी गलत धंधे की वजह से वो पूरे नगर में बदनाम थी। एक बार जिस मंदिर में वो महात्मा गए हुए थे, उसी समय रेशम भी आई और वो मंदिर में प्रणाम करने के बाद महात्मा के पैर भी छूने लगी। तब मंदिर के पुजारी ने कहा, तुम साधु बाबा के पैर नहीं छू सकती, तुम्हारे छूने से वो अपवित्र हो जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप पुजारी जी? बाबा, आपको नहीं पता, ये औरत गलत धंधा करती है, ये तो पापिन है, पापिन। साधु बाबा ने रेशम से कहा, सुनो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ईश्वर में विश्वास रखती हो। ऐसा करो, कल तुम मेरी कुटिया में सत्संग सुनने आ जाना। जरूर आऊंगी बाबा। जब साधु बाबा का सत्संग शुरू हुआ तो वहाँ पर रेशम भी आई और उसने पूरा सत्संग सुना। सत्संग खत्म होने के बाद सब वहाँ से चले गए, लेकिन रेशम वहीं बैठी रही। सबके जाने के बाद रेशम ने साधु बाबा को प्रणाम किया। तब साधु बाबा ने रेशम से कहा, बेटी, तुम जो गलत काम करती हो उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम अगर इसी तरह के पाप कर्म में लिप्त रही तो मृत्यु के पश्चात तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। लेकिन बाबा, फिर मैं करूंगी क्या और खाऊंगी कहाँ से? ईश्वर पर भरोसा रखो बेटी, वो कोई ना कोई राह तुम्हें जरूर दिखा देंगे। साधु की बात मानकर दूसरे दिन से ही रेशम ने गलत धंधा करना छोड़ दिया और जो उसके पास कुछ जमा पैसे थे उसने उससे एक ठेला खरीद लिया और फल बेचने लगी। लेकिन उस नगर के लोग रेशम से फल नहीं खरीदते थे, क्योंकि वो इसे पाप समझते थे। इसीलिए वो नगर से बाहर दूसरे जगह जाकर सस्ते दामों पर फल बेचा करती थी। आम ले लो, आम ले लो, मीठे रसीले आम ले लो। उसकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती। जो फल बच जाते उसे वो गरीबों को खाने के लिए दे देती। वो प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान के सामने मत्था टेकती और रोज प्रवचन सुनती। इससे उसकी बुद्धि काफी निर्मल और पवित्र हो गई। उसके मन में जरूरतमंदों और गरीबों के लिए सेवा का भाव उत्पन्न हो गया था। अब वो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाने लगी। धीरे धीरे उसके नगर के लोगों के बीच भी उसका सम्मान बढ़ने लगा। जो लोग उसे देखना भी पाप समझते थे, वो अब उसकी तारीफ करने लगे थे। एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, देखो देखो, ये वही वैश्या है जो कभी पाप कर्म किया करती थी, लेकिन अब वो गरीबों की मदद करती है। भगवान हर किसी को उसके जैसा दिलदार बनाए। तभी दूसरे ने कहा, हाँ, उसका मन बहुत पवित्र है, वो अब हमेशा अच्छे कर्म ही करती है। अब तो हर कोई रेशम की प्रशंसा करने लगा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रेशम बूढ़ी हो गई और एक दिन वो भी आया जब उसकी मौत हो गई। संयोग से उसी दिन उस साधु बाबा की मौत हो गई। दोनों की आत्मा यमलोक में यमराज के पास पहुंची। तब यमराज ने साधु और वैश्या के पाप और पुण्य का लेखा जोखा निकाला और दूतों को आदेश दिया। यमराज ने दूत से कहा, इस औरत को 2 दिन के लिए नरक में और फिर आगे सदा के लिए स्वर्ग में भेज दो, और इस साधु को हमेशा के लिए नरक में भेज दो। महात्मा ने पूछा, हे धर्मराज, आपके दरबार में कैसा अन्याय हो रहा है?
मैंने तो अपना पूरा जीवन ही लोगों को सही राह पर लाने में लगा दिया। मैंने हमेशा लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया, लेकिन फिर भी मुझे नरक भेजा जा रहा है। ऐसा क्यों महाराज, जबकि उस औरत ने तो अपने जीवन में कई पाप कर्म किए हैं, फिर भी आप इसे स्वर्ग में भेज रहे हैं? यमराज ने कहा, ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर प्राणी को स्वर्ग और नरक उसके कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होता है। ये सत्य है कि तुमने अपने पूरे जीवन में लोगों को सही मार्ग दिखाया और भक्ति का उपदेश दिया, परंतु तुमने कभी उन बातों को खुद पर अमल नहीं किया। ना तो तुमने कभी किसी की मदद की और ना ही कभी दान किया, ना कभी किसी की सेवा की और ना ही सच्चे दिल से तुमने ईश्वर की भक्ति की। धर्म की आड़ में तुम केवल धन दौलत और शोहरत कमाते रहे। तुम्हारे मन में कभी ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं थी। जबकि इस महिला ने भले ही अज्ञानतावश अपने शरीर से कुछ समय तक पाप किया, लेकिन उसका ज्ञान होते ही उसने अपनी राह बदल दी। गरीबों और जरूरतमंदों की खूब मदद की, अपने सामर्थ्य के अनुसार खूब दान पुण्य भी किए और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति भी की। इसके द्वारा किए गए पुण्य कार्य पाप पर भारी पड़ गए, इसलिए इसे सिर्फ 2 दिन के लिए ही नर्क और फिर आगे हमेशा के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यमराज की बात सुनकर साधु महात्मा खामोश हो गए। चाह कर भी वो कुछ बोल न सके। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। जीवन भर खुद को महान समझने वाला साधु आज एक वैश्या के सामने खुद को तुच्छ महसूस कर रहा था, जबकि वो वैश्या अपने पुण्य कर्म की वजह से स्वर्ग को प्राप्त हुई। एक बार की बात है, एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी जो भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वो हर समय श्री हरि का नाम जपा करती। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे कर्म किए थे। एक दिन वो चल बसी। उन्हें ले जाने स्वयं यमराज आए। उन्हें देखकर बूढ़ी माँ ने पूछा, मैं स्वर्ग जाऊंगी या नर्क जाऊंगी? इस पर यमराज ने उत्तर दिया, आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए स्वर्ग या नर्क में ना ले जाकर आपको सीधे बैकुंठ ले जाऊंगा। उन्होंने खुश होकर यमराज का धन्यवाद किया, पर साथ ही ये प्रार्थना की कि मैं एक बार स्वर्ग और नर्क दोनों जगह को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, आपके अच्छे कर्म हैं, इसलिए आपकी ये इच्छा पूरी की जाएगी। ऐसा कहकर यमराज उन्हें स्वर्ग और नर्क दिखाते हुए भगवान के वास स्थान की ओर ले चले। जब नर्क पहुंचे तो वहां सभी लोग जोर जोर से रो रहे थे और कुछ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सब लोग दुबले पतले और रोग से पीड़ित दिखाई दे रहे थे। ये देखकर बूढ़ी माँ से नहीं रहा गया। उन्होंने किसी से पूछ लिया, आपकी ऐसी अवस्था क्यों है? उसने कहा, शरीर छोड़ने के बाद जब से यहाँ आए हैं, खाने को कुछ नहीं मिला। हमें बहुत भूख लगी है। तभी माँ की नजर एक बड़े से पतीले पर पड़ी। ये पतीला बहुत ऊंचा था और उस पर एक बड़ी चम्मच लटक रही थी। पतीले से अच्छी सुगंध आ रही थी। बूढ़ी माँ के पूछने पर आदमी बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा है, पर हम इसे खा नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ऊंचा है। हम में से कोई भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। ये सुनकर बूढ़ी माँ दुखी हो गई। उसने सोचा, भोजन होते हुए भी ये लोग भूख से तड़प रहे हैं, शायद ईश्वर ने उन्हें यही दंड दिया है। यमराज अब बूढ़ी माँ को स्वर्ग की ओर ले चले। स्वर्ग में सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई पड़ी। उन्हें खुश देखकर बूढ़ी माँ भी खुश हो गई। वहाँ भी उन्हें नर्क की तरह ऊंचा पतीला दिखाई दिया। उसके ऊपर भी एक बड़ी चम्मच लटक रही थी। बूढ़ी माँ ने पूछा, इसमें क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बूढ़ी माँ हैरान होकर बोली, इतने ऊंचे पतीले की खीर तक आप पहुंच नहीं पाते होंगे, फिर खीर कैसे खाते हैं? आप तो भूखे ही रहते होंगे। स्वर्ग के लोगों ने कहा, पतीला ऊंचा है तो क्या हुआ, यहाँ बहुत से पेड़ हैं जिनकी लकड़ियाँ सबने मिलकर काटी और एक लंबी सीढ़ी बना ली।
सीढ़ी पर चढ़कर पतीले तक पहुंच जाते हैं और भरपेट खीर खा लेते हैं। ये सुनकर बूढ़ी माँ ने मुस्कुराकर यमराज की ओर देखा और कहा, प्रभु ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। वो अपनी इच्छा से स्वर्ग और नर्क बना सकते हैं। प्रभु के लिए सब मनुष्य समान हैं। वो किसी में अंतर नहीं करते हैं। उन्होंने सबको एक समान परिस्थिति में डाला है। नर्क में भी पेड़ हैं, पर वो लोग आलस के कारण मेहनत नहीं करते और खीर नहीं खा सकते, इसलिए भूखे रह जाते हैं। ये ईश्वर का बनाया गया नियम है। जो कर्म करेगा उसको मीठा फल मिलेगा। यदि वो स्वर्ग की इच्छा का त्याग कर दे और नर्क का डर मन से निकाल दे और कर्म मार्ग पर चले, तो प्रभु सदैव उसकी रक्षा करते हैं और कर्म का मीठा फल भी देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।